जी हाँ, जापान में डॉक्टरों के एक समूह ने खोज की है कि किस प्रकार मनुष्य की उम्र बढ़ाई जाए। सभी जानते हैं कि जापानी लोग 100 साल से अधिक वर्षों तक आसानी से जीते हैं। जानिए कैसे संभव है, ये इस वीडियो में देखेंगे कि वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ केवल पानी का यूज़ करके कैसे लंबी आयु पाई जाए। सबसे पहले बात करेंगे किस प्रकार पानी हमारे लिए जानलेवा है। पहले जान लेते हैं कि जान कैसे ले जाता है पानी, जबकि जल को तो जीवन कहा है। आप कहेंगे कि जल को तो जीवन कहा है, तो पानी जान कैसे ले सकता है, जबकि ये हमारे शरीर के 70% भाग का निर्माण कर सकता है, तो हम जल के बिना कैसे जी सकते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ फ्रिज का ठंडा चिल्ड पानी पीना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आप पूरा डिटेल देखिएगा, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि पानी का प्रयोग कैसे करेंगे तो लंबी आयु हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहला नुकसान जो है ये है कि ठंडा पानी दिल की 4 नसों को बंद कर देता है और दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। हाँ, अगर ठंडा पानी कम उम्र में तो पता नहीं चलेगा कि ये नुकसान कर रहा है, लेकिन बुढ़ापे में ये अवश्य नुकसान पहुँचाएगा। कोल्ड ड्रिंक हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। ठंडा पानी लीवर को ख़राब कर सकता है, हमारे लीवर को ये बिल्कुल ख़राब कर देगा और हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हम प्रतिदिन कुछ भी तला भुना खा लेते हैं अगर, तो वो सारा फैट हमारे जिगर में जमा हो जाएगा, जाकर के चिपका देगा ये ठंडा पानी हमारे जिगर में उस फैट को। खोज हुई है कि जिगर प्रत्यारोपण के लिए जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, अधिकांश लोग ठंडा पानी पीने के कारण बीमार हुए हैं। ठंडा पानी पेट की आंतरिक दीवारों को प्रभावित करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसर में बड़ी आंत को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आज फिर देखेंगे कि जापानी डॉक्टर्स के एक समूह ने क्या पुष्टि की है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का हल करने में 100% गर्म पानी कैसे उपयोगी है। गर्म पानी जो है माइग्रेन, हाई बीपी, लो बीपी, जोड़ों का दर्द, दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाना या घट जाना, मिर्गी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, ये सब समस्याएं जो हैं पेट की समस्याएं हैं, भूख की कमी है, आँखें, कान और गले से संबंधित बीमारियां, तो इन सब का क्या इलाज किया जाए, इस तरह से हम इन्हें केवल पानी का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। वैज्ञानिक तरीका सुन लेते हैं फ्रेंड्स। ये तरीका है कि हमें प्रातः उठकर अपने प्रातः कामों से निवृत्त होकर के 1.25 लीटर पानी लेना है। एक साफ बर्तन में 1.25 लीटर पानी लेकर के इसे गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा करना है, गर्म करना है, यानी कि गर्म इतना भी नहीं होना चाहिए कि इसे उबालना नहीं है हमें, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा और बिल्कुल गर्म से थोड़ा कम, यानी कि थोड़ा ज़्यादा गुनगुना पानी होना चाहिए। इसके हमें 4 गिलास पानी जो है लेकर के रखने हैं, बैठना है और इसमें से 1-1 गिलास पानी धीरे धीरे करके बैठ करके पीना है, खड़े होकर के नहीं पीना है। शुरुआत में पानी पीना शुरू करेंगे तो असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो आपको 4 गिलास पानी पीने की आदत हो जाएगी। इस तरह से यदि आप पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दूसरा पानी का जो उपाय है वो ये है कि रात में आप 10 दाने मेथी और आधा चम्मच सौंफ को भिगो दें। प्रातः निवृत्त हो करके इस पानी को छान करके थोड़ा गर्म करके सेवन करें और देखें कि किस प्रकार से हमारी सेहत में हमें तुरंत असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, फ्रिज के चिल्ड वाटर पीने से हमारी जान जा सकती है। समझ लीजिए दोस्तों, जान लीजिए कि विशेषकर जब ये पानी हम खाना खाते ही अगर पी लेते हैं तो ये हमें कैसे बीमार बना देता है। ठंडा पानी पीने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन पचाने में अत्यधिक परेशानी होती है और पाचन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और पेट पर ही ख़त्म होती हैं, तो जितनी सारी बीमारियां हैं सब हमारे पेट से शुरू होती हैं। ठंडा पानी पीने से गला ख़राब और जुकाम की शिकायत आम सुनने में आ जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर इस जानकारी को आप ये समझते हैं कि आप पहले खुद आजमाएं, मुनासिब लगे तो ये फार्मूला आप पहले खुद पर प्रयोग करें और इस जानकारी को खुद तक मत रखें, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार और आस पड़ोस के सभी लोगों को अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।